for n resistors in parallel. ठीक है, पहला पॉइंट जनरलाइज करके फिर से वैसा ही आ जाएगा, V1 equal to V2 equal to V3 up to Vn, which will be equal to V. अगर सब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, कहीं और कनेक्टेड है तो जो भी दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल है उसके बराबर. Then, I1 will be equal to V by R1, will be equal to V by R2 and so on. In will be equal to V by Rn. One upon R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to 1 by Rn. ठीक है, यहां पर ध्यान रहे LHS में 1 upon R equivalent लिखा होता है, इन सारे टर्म्स को ऐड करके जो भी मिलता है फाइनली हमें उसका इनवर्स भी लेना होता है. ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट कैन ऑलवेज बी फाउंड बाय आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट. सर्किट में जो टोटल करंट है वो हमेशा इस तरह से फाइंड किया जा सकता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट. ठीक है, यहां पर जो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पोटेंशियल और करंट को लेकर, पहला हमने कहा पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम. Potential difference across all the resistors is same. Current gets divided in inverse ratio of resistance of resistors. Is in inverse ratio of their resistance. ठीक है, that means higher the resistance of a resistor, less will be the current which it gets. Higher the resistance of the resistor, less will be the current that it gets. ठीक है, फिर ये लास्ट वाला जनरलाइजेशन पैरेलल के लिए, ये भी हम देख ले. फॉर एन रेजिस्टर्स each of resistance R in parallel. Potential difference is same across all
देखो 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एन टाइम्स, सो इट विल बी इक्वल टू एन बाय आर, विच इंप्लाइज दैट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर बाय एन. The equivalent resistance will be equal to R by N. Current in each resistor I will be equal to V by R. Current सभी में बराबर होगा, V by R होगा. Total current, यहां बोले current supplied by battery. I will be equal to n times V by R. ठीक है, it will be equal to V upon R equivalent. ये जो current है ये V upon R equivalent के equal होगा. हम चाहे तो इसे दो steps में लिख लें इस तरह से, I will be equal to V upon R equivalent. Therefore, I will be equal to N V by R. So, हम series और parallel में अगर एक comparison करेंगे, तो हमें हर चीज एक तरह से उल्टी दिखने लगेगी, हमें सब कुछ opposite मिलने लगेगा. यहाँ जो होगा series में जो होगा वो parallel में उसका उल्टा होगा. ठीक है, एंड सो ऑन. जैसे हम कहीं से भी देखना चालू करें, हम वहां पर देखते हैं कि करंट सब में सेम है तो यहाँ करंट सब में अलग होगा, वहां पोटेंशियल सब में अलग अलग है तो यहाँ पोटेंशियल सब में सेम है. ठीक है, वहां पर पोटेंशियल रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, यहाँ रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है. वहां पर हम देखेंगे जो टोटल करंट है, it will be less than the current which would have been in each resistor if they were connected separately. अगर हम हर resistor को अलग अलग connect करते तो जो current की value मिलती उससे कम value हमें मिलेगी. यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम हर resistor का current अलग अलग देखें तो उससे ज्यादा हमें current की, total current की value मिलेगी, क्योंकि current सारे add up होते जा रहे हैं, सारे current जो है वो add up होते जाते हैं. ठीक है, तो सब कुछ हमें बिल्कुल उल्टा मिलेगा, दोनों केसेस में सारी चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं. हम सीरीज और पैरेलल दोनों को मिलाकर एक फाइनल कंक्लूजन और देते हैं रिगार्डिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. वी से दैट, वी कंक्लूड दैट इफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, एक बार हम n रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, n रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमें सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा इट विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द रेजिस्टर. जो भी रेजिस्टर्स हमने लिए थे उसमें से किसी का भी रेजिस्टेंस हम ले ले, उस रेजिस्टेंस से ज्यादा ही हमें सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा. पैरेलल का जब हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. हर रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से वो कम ही हमें मिलेगी हमेशा. ठीक है, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, आर एस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज
are equivalent in series is always less than, greater than, is always greater than R1, R2, R3, Rn. या कई जगह पर इस तरह से भी बोल दिया जाता है इसे, दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस अमंग ऑल द रेजिस्टर्स. तो वही बात हो जाएगी, जो हाईएस्ट ले लेंगे इसमें से तो वो अपने आप ही बाकी सबसे ज्यादा हो गया. ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है. यहां पर ऐसे ना लिखकर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आर एस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन. ठीक है, इसे इस तरह से भी लिख दिया जाता है कई जगह पर, भाई इसमें से पहले मैक्सिमम चूज कर लो तो मैक्सिमम अपने आप बाकी सबसे तो ज्यादा ही हो गया. और हम बोल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम वाले से भी हमेशा ज्यादा ही मिलेगा. ठीक है, पैरेलल में हम बोल रहे उल्टा होगा, आर पी विल बी लेस देन इवन द मिनिमम ऑफ आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर. ठीक है, ये हमारे और दो फाइनल कंक्लूजन आ जाते हैं. हम चाहे तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज को मर्ज करके इस तरह से लिखकर मर्ज करके साथ में भी लिख सकते हैं. उल्टा भी बोल सकते हैं हम इसे, हम इस तरह से बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. The resistance of any of the resistor in parallel combination is greater than the equivalent resistance. किसी भी तरह से कह सकते हैं हम यहां पे, किसी भी तरह से बोल सकते हैं. ठीक है, ये सीरीज पैरेलल ध्यान से देखने समझने के बाद यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है. यहां पर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से, व्हाट इज द टाइप ऑफ कनेक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कनेक्शन कॉम्बिनेशन मेड इन डोमेस्टिक सर्किट्स, जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, उसमें किस तरह का कनेक्शन किया जाता है. अप्लायंसेस को, अलग अलग डिवाइसेस को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है. एनी अप्लायंसेज बेसिकली अ रजिस्टर, कोई भी अप्लायंस जो है वो ओवरऑल एक रजिस्टर की तरह एक्ट करता है. तो हमारे सर्किट्स में, हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में जो भी चीजें कनेक्टेड है, एक लाइट है, ट्यूबलाइट है, फैन है, ठीक है, प्लग्स होते हैं अलग अलग जगह पर, इस तरह से जितने भी डिवाइसेज हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और क्यों. वाई ओके ठीक है फाइन, दे आर डेफिनेटली कनेक्टेड इन पैरेलल. उसका उसका मेजर रीजन ये नहीं है कि सारे अप्लायंसेस सेम वोल्टेज पर वर्क करने के लिए डिजाइन होते हैं, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली. द मेन रीजन इज द फर्स्ट वन, जो तुमने कहा पहला वाला रीजन है कि अगर हम
चीजों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, अगर हम चीजों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो एक को बंद करने पे सभी बंद हो जाएंगे। अगर हमने इस तरह से सबको सीरीज में जोड़ दिया तो एक जगह से ब्रेक करने पर, सर्किट को एक जगह से ब्रेक करने पर सारी चीजें चलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, मतलब हमने पंखा बंद करा तो ट्यूबलाइट, फ्रिज, टीवी सब अपने आप ही बंद हो गया, कुछ इस तरह का सर्किट वो बन जाएगा। अदरवाइज डिवाइसेस कैन डेफिनेटली बी डिजाइंड टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इन चारों को साथ में ही चलाओ हमेशा, बट दैट विल नॉट बी फीजिबल, वो फीजिबल नहीं होगा। सो बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, किसी एक को बंद करोगे तो वही बंद होगा, लाइट बंद करोगे तो लाइट ही बंद होगी, पंखा बंद नहीं होगा। सो बिकॉज वी कनेक्ट देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी डिजाइन ऑल द अप्लायंसेस टू वर्क ऑन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, ऑन अ फिक्स्ड पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल में सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, पैरेलल में सबको सेम पोटेंशियल मिलता है तो हम सारे डिवाइसेस को एक ही पर्टिकुलर पोटेंशियल पर वर्क करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में हम देखें तो 220 वोल्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर वर्क करने के लिए बनाया जाता है, किसी और कंट्री में कुछ और हो सकता है। ठीक है, यूएसए में 110 वोल्ट्स पर वर्क करवाते हैं। सो दी स्टैंडर्ड्स आर सेट इन द कंट्री, कंट्री में स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं और सारे अप्लायंसेस फिर इसीलिए इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। सेकेंडली, अगर हम सपोज बंद ना भी करना चाहें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस है सपोज जिन्हें हमें हमेशा ही चलाते रहना है, तो भी हम उन्हें सीरीज में लगाना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर कोई भी एक खराब होता है, कोई भी एक डिवाइस जो है वो अगर खराब होता है तो भी सारे डिवाइसेस अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ऑल्दो सीरीज कॉम्बिनेशन माइट समटाइम्स बी यूजफुल, कुछ जगह पर सीरीज कनेक्शन हेल्पफुल भी होता है, जैसे दिवाली पर जो लाइट्स हम देखते हैं, दिवाली पर जो हम लाइटिंग्स देखते हैं, जो झालर लगाई जाती है, ठीक है, जो सीरीज लगाई जाती है, उसमें एक्चुअली सारे बल्ब जो होते हैं वो सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं। हम ऑब्जर्व करेंगे उस पे, जो एलईडी लाइट्स वाली आती है, डेकोरेटिव लाइटिंग आती है, उसमें हम देखेंगे कि एक बल्ब जब फ्यूज होता है तो हमें लाइन से 10 बल्ब फ्यूज हुए दिखते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार हमें वो बल्ब फ्यूज हुए हुए दिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वो बल्ब जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से फायदा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, तो करंट जो ड्रॉ होता है वो बहुत लो होता है, द करंट ड्रॉन इज वेरी लो। तो ये जो एलईडीज वगैरह होती हैं, दे आर डिजाइन टू वर्क ऑन लो वैल्यूज ऑफ करंट, लो पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो हम 220 वोल्ट्स के सप्लाई से भी इन छोटी छोटी एलईडीज को यूज कर लेते हैं। अगर हमने एक एलईडी को डायरेक्टली 220 वोल्ट में लगा दिया तो वो ऐसे ही जल के डैमेज हो जाएगी। ठीक है, सो हमें स्पेशली डिजाइन ना करनी पड़े एलईडीज, इसलिए हम क्या करते हैं, हम 10 12 15 एलईडीज को सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, तो सबको 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट इसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है एंड दे वर्क परफेक्टली। तो इस तरह से सीरीज का यूज भी होता है। ठीक है, देन आगे हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक और डिवाइस पढ़ेंगे कॉल्ड फ्यूज वायर। फ्यूज वायर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो क्यों किया जाता है, क्या होता है, हम आगे देखेंगे व्हेन स्टडिंग द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, हम कुछ बिल्कुल ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं एक बार, सो दैट वी नो हाउ टू अप्लाई ऑल दीज फॉर्मूले, फिर हम थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। ओके, पहले तो मैं कुछ बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, जस्ट टू गेट यूज टू अप्लाइंग द फॉर्मूले। ठीक है, सपोज
क्वेश्चन कुछ इस तरह का है. टू रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी. टू रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी. इन ए केस सीरीज, बी केस पैरेलल. एक बार सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. Find for both cases current in each resistor. Current in each resistor, potential difference across each resistor. Current supplied by battery. Okay. Example था, question ही लिया है हमने, just to get familiar with the formula. नहीं बोला क्या मैंने? अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स कर लो उसे. आई माइट हैव स्किप्ड इट. बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स resistors of 3 ohm and 6 ohm are connected to a battery of 12 volts in series and parallel. सिंपल जो हमने इनफैक्ट फॉर्मूले लिखे हैं उनमें वैल्यूज ही हमें डालते जाना है. सीरीज में कनेक्ट किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 + 6 = 9 ohms, करंट की वैल्यू 12/9, 4/3 एम्पियर, V1 = IR1, सो 4/3 × 3, 4 volts, V2 = I2R2, सो 4/3 × 6, 8 वोल्ट. चेक करके देख लें, ये 4 + 8 12 के ही इक्वल आ रहा है. ठीक है, करंट थ्रू द बैटरी विल ऑल्सो बी द सेम, 4/3 एम्पियर. करंट थ्रू द बैटरी विल बी सेम, 4/3 एम्पियर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे
पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी 12 वोल्ट, ठीक है. आई वन विल बी इक्वल टू वी बाय आर वन, सो 12/3, 4 एम्पियर्स. आई टू विल बी इक्वल टू 12/6, 2 एम्पियर्स. करंट सप्लाइड बाय बैटरी विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, देयर फॉर 6 एम्पियर्स, ठीक है. तीनों सॉरी दोनों रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल सेम. करंट हम डायरेक्टली लिख देंगे वी बाय आर वन, वी बाय आर टू. हम चाहे तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल के देख सकते हैं एंड चेक दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल कम आउट टू बी 2 ohms. हम वी अपॉन आई, वी अपॉन टोटल करंट करके भी निकाल सकते हैं, यहां हमारा जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है. सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है. हम सिंपली फॉर्मूले रिकॉल करके उन्हें क्विकली यूज करने की आदत डाले और वो बार बार क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके ही होगी. अब हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस. मतलब हम सीरीज पैरेलल को मिला के अगर कुछ कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या होता है. सपोज इस तरह का सर्किट दिया है हमें, एक बैटरी है और 3 रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है. आर वन इज 4 ohms, आर टू इज 3 ohms, आर थ्री इज 6 ohms. यही सारे क्वेश्चंस हमें फिर से आंसर करने हैं. करंट इन ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, current supplied by the battery. Same questions.